में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ कार्यक्रम होने जा रहे हैं लखनऊ, कौशाम्बी और प्रयागराज में। सीएम योगी आदित्यनाथ के ये कार्यक्रम होंगे। 11:30 बजे डीआरडीओ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे योगी आदित्यनाथ और ब्रह्मोस डीआरडीओ लैब का शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। कानपुर रोड स्थित चिल्लावा ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1:25 पर कौशाम्बी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कौशाम्बी के मजनपुर ओसी मंडी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 3:00 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर भूमि पूजन करेंगे और पीएम आवास योजना का भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और 4:30 बजे केपी कॉलेज पहुंचेंगे सीएम। कॉलेज के 150वें स्थापना दिवस पर शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। कौशाम्बी में ये रैली होगी और साथ ही आज 150वें स्थापना दिवस पर भी जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उन पर भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, कौशाम्बी और प्रयागराज में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, ब्रह्मोस डीआरडीओ लैब का शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। कानपुर रोड स्थित चिल्लावा ग्राउंड में ये कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ कार्यक्रम होने हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस डीआरडीओ लैब का शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर रोड स्थित चिल्लावा ग्राउंड में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पीएम आवास योजना का भूमि पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ कार्यक्रम होने हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? आज वो कानपुर में कानपुर रोड पे जो लखनऊ से कानपुर सड़क जाती है उस पर एक चिल्लावा ग्राउंड है जहाँ पे वो डीआरडीओ का लैब जहाँ पे ब्रह्मोस बनाया जाएगा उसका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वो कौशाम्बी जाएंगे और कौशाम्बी में तमाम कार्यक्रम है और सबसे अहम कार्यक्रम वहाँ वो जो यात्रा निकल रही है उसके एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद बहुप्रतीक्षित हम कह सकते हैं जिसपे लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म भी है और लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक जमीन है जो वहाँ के माफिया से खाली कराई गई थी वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। तो आज का मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, जो सीएम कार्यालय से प्रोटोकॉल आया है, उसमें 3 कार्यक्रम है और हालांकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चेंज भी होता रहता है लेकिन प्रोटोकॉल के तहत जो कार्यक्रम है उन्हीं थे वही कार्यक्रम होगा। पहला लखनऊ में कार्यक्रम है, उसके बाद वो कौशाम्बी जाएंगे और बाद में प्रयागराज जाके अपना कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी रजनीश, और साथ ही ब्रह्मोस और डीआरडीओ लैब जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वो भी जनता को समर्पित करते हुए नजर आएंगे, इस का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इस पर कुछ अपडेट? नहीं, शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन उसकी बाद में होगी, आज उसका भूमि पूजन करेंगे क्योंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, उनका ये कर्म क्षेत्र भी लखनऊ में है तो उसका वो चिल्लावा ग्राउंड में शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद मैंने पहले ही कहा कौशाम्बी जाएंगे जहाँ पे तमाम तरीके के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शरीक होंगे। उसके बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे जो इनकी यात्रा निकल रही है। उसके बाद वो प्रयागराज में जाएंगे जो एक लैंड है जो माफिया से खाली कराई गई थी उसके लिए भी वहाँ पे वो शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो स्कीम है गरीब में जिसको दिया जाता है, तो ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है।
जी रजनी जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।